हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। जानकारी क्या ही, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया है, HHSC जल्द ही ग्रुप सी और ग्रुप डी की नई वैकेंसीज निकालने जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो किसान आंदोलन जो चला हुआ है, जिसमें हरियाणा, पंजाब जो और अदर स्टेट ने भी पार्टिसिपेट जिसमें किया हुआ है, तो उस किसान आंदोलन में हरियाणा के जो आंदोलनकारी हैं उनको अलग करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए, जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जल्द वैकेंसीज आने जा रही है। पूरा माजरा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस सारे घटनाक्रम से ये निकल के आ रहा है कि भाई, आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए नई वैकेंसीज आ रही हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की। मैं आपको इस वीडियो में वो दिखा देता हूँ कि भी ये जो न्यूज़ है वो किस तरीके से आई है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ये कितनी, ये इसमें सच्चाई सीधो की आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन है उसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा के बीच दूरी बढ़ाने और हरियाणा के आंदोलनकारियों का ध्यान बटाने की रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत हरियाणा की मनोहर लाल जो खट्टर सरकार है, जल्द ही निकाय चुनाव की घोषणा के साथ साथ, या मैं बता देता हूँ, उसका चुनाव तो होगा ही, साथ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा करने जा रही है। ठीक है, तो इसमें डिटेल में भी कुछ आगे बताया गया है जो हम देख सकते हैं। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, घोषणा के साथ तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरी की भर्ती की घोषणा की जाएगी। कि भी इसको कितना पूरा किया जाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन अब जो ये आंदोलन चल रहा है इससे ध्यान भटकाने के लिए सरकार जल्द ही तृतीय और चतुर्थ यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज निकालने जा रही है। पूरा करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी भी जल्द ही ये वैकेंसीज आने वाली है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।